अब तक यकीन नहीं होता कि तुमने एक माकलुआन मंदिर को अपना बेहतरीन और आधुनिक हथियार खाना बना लिया है बेटे। आपके हिस्ट्री लेसन से मैंने बहुत कुछ सीखा है पापा। रिंग और प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी पर आपके सारे लेक्चर मुझे याद हैं और वो सब बिल्कुल ठीक लगते हैं। ये सब काफी शानदार है। पर इस सब से क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। आज तक मैंने जितनी भी मेहनत की मैंड्रिन को फिर भी वो 10 रिंग तो मिल ही गई ना पापा। सुनो, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। चलो बेटा, इतना मायूस मत। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारा 18वां जन्मदिन है। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जन्मदिन तो भूल ही गया था। रोडी और मैं तुम्हें आयरन मैन के हेलमेट के शेप का केक देना चाहते थे, पर हमने सोचा शायद तुम जश्न मनाने के मूड में नहीं होगे। हम में से कोई भी नहीं है। जीन के होते हुए बिल्कुल नहीं। हमें उसका इंतजार करना होगा। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जीन लौट आया है। दुनिया के लोगों, मैं हूं ताकतवर, इकलौता और असली मैंडरिन। आज का दिन यादगार है। मैंने कसम खाई है कि मैं पूरी दुनिया को एक कर दूंगा। मैं गरीबी, भुखमरी और युद्ध का अंत कर दूंगा और सब जगह शांति फैलाऊंगा। क्या सच में ये जीन है? शायद हम गलत हो। हो सकता है कि वो रिंग्स का अच्छा इस्तेमाल करना चाहता हो और बदले में इंसानियत मेरे सामने घुटने टेकेगी और साथ ही साथ मुझे दुनिया की महान जीन की तरह स्वीकार करेगी। हाँ, मुझे पता था ये यही कहेगा। मैं यहाँ आया हूँ ताकि पूरी इंसानियत को एक नए और शानदार वक्त में ले जा सकूं। पर ये याद रखना कि जो भी मेरे हुक्म को चुनौती देगा वो मेरे गुस्से का सामना करेगा। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं जीन को 10 रिंग्स हासिल करने से रोकता तो ऐसा नहीं होता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। देखो टोनी, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ दोस्त, लेकिन जब पिछली बार हमने उसका सामना किया उसने हमें बर्बाद ही कर दिया था। और अब वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मुझे कुछ तो करना होगा। इससे पहले कि तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक राय है। रिंग्स दिखती जादुई हैं, पर असल में ये बहुत ही एडवांस तकनीक से बनी हुई होती हैं। और हर तकनीक की तरह उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, हर मशीन की तरह। क्या ये वही हथियार है जो आपने उसके विरुद्ध चाइना में इस्तेमाल किया था? ठीक है, तो क्यों ना कवच पहना जाए और मैंडरिन को मजा चखाया जाए? नहीं हो सकता। मैंडरिन ने उसका प्रोटोटाइप बर्बाद कर दिया था और उसे बनाने में हफ्तों लगे थे। पटोनी, अगर तुम और मैं मिलकर डेटा की जांच करें तो हम डिसरप्टर की रेंज को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। मैंडरिन पूरी दुनिया पर हुकूमत चलाना चाहता है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं कहता हूँ तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल है, हम जो भी करेंगे साथ में करेंगे, चाहे जो हो जाए। ये पागलपन है। 10 रिंग्स की ताकत के आगे तुम तीनों एक पल भी नहीं टिक पाओगे। पापा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ये करना ही होगा। मैं हूँ आयरन मैन। जनरल निक फ्यूरी हूँ शील से। जमीन पर उतरो और खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम जानते हो मुझे ललकारने का क्या नतीजा होगा। मैंड्रॉइड्स, उसे पकड़ो और गिरफ्तार करो। मेरी बात याद रखना, बर्बादी के कारणों को मिटाकर ही एक बेहतर कल की शुरुआत हो सकती है। Hill, wave to launch करो। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये लो। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास ताकत है? मैंडरिन ही ताकत है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम
फ्यूरी, कम इन। एजेंट रोमानोव, कम इन। एजेंट हिल, हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। मैंडरिन पर सारी लेजर तोपों से हमला करो। रोजर, निशाना लगाओ। बहुत हुआ। ये हो क्या रहा है? एक मिनट, मुझे सिग्नल मिल रहे हैं 0. डार्क मैटर के। ओ नहीं, हम अंतरिक्ष में हैं। ये वो ताकत है जो मैं उन लोगों के लिए दिखा रहा हूँ जो मेरा हुक्म मानने से मना। मैं तुम्हारी बक बक सुनकर थक गया हूँ। ओ मेरा हुक्म, मेरा राज, मेरी ताकत, ब्ला ब्ला ब्ला। जीन, तुम ये सब बंद करोगे प्लीज? अब बात भी करो जी। हमारी बात मान लो। अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? जरूर कोई गलती हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिग्नल मैंडरिन से नहीं आ रहे हैं? हम इससे अच्छा कर सकते थे। मैंडरिन की ताकत के सामने सर झुकाओ। कोई भी मेरी ताकत को चुनौती नहीं दे सकता। फिर तुम्हें चुनौती देने वाला आ गया है। उम्मीद है कि वो अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेरे तीर इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिर वो चीज है क्या? वो शील्ड हेलीकैरियर 2.0 जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। अभी मैं काम में हूँ पापा। जब से वो अजनबी जहाज यहाँ आया है तब से माकलुआन एनर्जी के सिग्नल बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं बेटा। क्या? मैं वीडियो फीड्स देख रहा हूँ और ये सब माकलुआन सिंबल्स लग रहे हैं। जीन, ये तुमने क्या कर दिया? दुनिया के हर कोने से लोग न्यूयॉर्क में एक एलियन स्पेसशिप दिखने के बारे में ही बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस और यूएन ऑफिशियल्स के मुताबिक आने के बाद से उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं किया है। ये घटना रहस्यमय मैंडरिन ने दुनिया पर कब्जा करने के फरमान जारी करने के बाद हुई। हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। वकाबी, इस घटना के बारे में डिस्कस करने के लिए मुझे स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस में मिलो और कुंजी तैयार करो। लगता है भविष्यवाणी सच होने वाली है। दुनिया का अंत आ चुका है। ऐसा नहीं हो सकता। आयरन मैन, जनरल फ्यूरी, ब्लैक विडो, आप दोनों जिंदा हैं? जहाज टकराने से पहले ही हम दोनों निकल गए थे। जल्द से जल्द बैकअप बुलवाइए। हेलीकॉप्टर के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम अकेले हैं। हमने लोकल एफबीआई और पुलिस फोर्स को तैयार रहने के लिए कह दिया है। किस चीज के लिए तैयार है? बाहरी ग्रह के आक्रमण के लिए। पर अभी हमें और जानकारी चाहिए। शायद हम आपकी कुछ मदद कर सकें। इस सब का मतलब क्या है? तुम जानते हो तुम किससे टकरा रहे हो? माकलुआन नेता के आदेश के मुताबिक तुम्हें ताकत की 10 रिंग्स हमारे हवाले करने का हुक्म दिया जाता है। दम है तो आकर ले लो मुझसे। हमला! हार मानो और रिंग्स हमें दे दो। ये रिंग्स मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इन्हें कभी नहीं दूंगा। बहुत हुआ। नामुमकिन। अब अजनबी हमारे सामने झुक जाओ। तुम्हारी रगों में मकलुआन खून हो सकता है पर तुम उन रिंग्स को पहनने के लायक नहीं हो, क्योंकि सिर्फ सबसे पवित्र मकलुआन से उस ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास आओ। पर क्यों इतने
वक्त के बाद? मुझे लगता है एक बार मैंड्रिन ने 10 रिंग्स इकट्ठा कर ली तो उसके बाद एलियंस को उनका पता मिल गया होगा। हम उनका सामना कैसे कर सकते हैं? हाँ, कोई इस पर काम कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि वो कौन है। दोस्तों, मुझे कुछ सिग्नल मिल रहे हैं। किसी को पता है मक्लुआन में हेलो आप कैसे हैं, कैसे कहते हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो हर तरफ से हमला कर रहे हैं। पूरी सेना आ रही है। अलग हो जाओ। जनरल, जल्दी आइए। इन्हें यहाँ से दूर ले चलते हैं। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। कैसा लगा मेरा ये अंदाज? ये क्या है? लगता है कि तुम हाई फ्रीक्वेंसीज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि निक फ्यूरी मुझे पहली बार इस तरह देखे। तुम रिंग्स का इस्तेमाल कर पाए, क्या बात है। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या सोचते हो। परवाह करो, इसमें तुम्हारी भलाई है, क्योंकि तुम्हें रिंग्स की असली ताकत का अंदाजा भी नहीं है। ब्रह्मांड के पहले तारे के दिल से बनाई गई ये रिंग्स। महान भविष्यवाणी के मुताबिक मक्लुआन से वो लोग होंगे जो पूरे ब्रह्मांड में शांति और अमन लाएंगे। आधे ब्रह्मांड पर कब्जा करने के बाद हम सब जश्न मना रहे थे, पर एक कमजोर साथी ने हमें धोखा दिया जो हमारे रिंग्स चुरा कर भाग गया। शायद तुम्हें पता नहीं, जब मैंने 10वीं रिंग हासिल की तब मेरे ही हाथों उसका रखवाला मारा गया। वो हमारा बेटा था। हमने उम्मीद की थी कि वो दिन कब आएगा जब हमें धोखा देने के लिए हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, पर अब हमारी हजारों साल लंबी तलाश खत्म होती है। भविष्यवाणी जल्द ही पूरी हो जाएगी। पूरा ब्रह्मांड मक्लुआन्स राज के तहत एक हो जाएगा। लेकिन ये मुझे गुलामी ज्यादा लगती है। हम दोनों के इरादे एक ही हैं इंसान। हम दोनों इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं या उसे बर्बाद करना। मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने मक्लुआन रिंग्स हासिल की क्योंकि वो मेरी किस्मत है। मैं पृथ्वी का मसीहा हूँ। हो सकता है तुमने रिंग्स हासिल कर ली हो, पर हम जानते हैं कि तुमने वो काम अकेले नहीं किया। हमें तो ऐसा लगता है जिन इंसानों ने इस काम में तुम्हारी मदद की वो ये समझते हैं कि वो हमें चुनौती दे सकते हैं। हमें पसंद आया। तुम पृथ्वी के मसीहा बनना चाहते हो। देखते हैं कि तुम उसके काबिल भी हो कि नहीं। डिसरप्टर फील्ड को और ताकतवर करो। उन्हें रोकने का यही एक तरीका है। राइट, हम लोगों को जल्दी से एक दल बनाना पड़ेगा। क्यों लग रहा है कि ये हमारा हौसला नहीं बढ़ा रहे? जीन, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मंजिल तक पहुंचने में। हमें दुनिया को बचाना है। वैसे अब हालात भी काफी बदल चुके हैं, है ना? आज तुम अपने ग्रह की काबिलियत और असली ताकत साबित कर सकते हो। ये सब होगा विनाश के घेरे में। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम खून खराबे में यकीन नहीं करते, क्योंकि ग्रहों के विनाश से पहले हम उसमें मजे और खेल कूद के तरीके तलाश करते हैं। अगर हम इसके सबसे महान योद्धाओं को हराएंगे नहीं तो मक्लुआन नेता पृथ्वी पर हमला बोल देगा। एक मिनट, अभी तुम दुनिया पर कब्जा पाने की कोशिश कर रहे थे और अब तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें? तुम मुझे दुश्मन समझ सकते हो रोड्स, पर मैं पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। ताकत से याद आया, तुम्हारी सारे रिंग्स मक्लुआन ने छीन ली हैं। और तुम खुद को महान जीन कह रहे थे, हाँ? तुम क्या ताकत के बिना इन योद्धाओं से लड़ने की सोच रहे हो? मैं गोल्ड टाइगर हूँ और मैंने कई सालों से वुशू ट्रेनिंग ली है। रिंग्स के बिना भी मैं उनका सामना कर सकता हूँ। शुक्रिया।
हमारे पास अपने हथियार हैं। विनाश के घेरे में कदम रखने वालों को हमारा सलाम। महान नेता, माफी चाहता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस ग्रह पर रहम क्यों नहीं कर रहे। आज इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुश्मन को बर्बाद करने से पहले थोड़ी उम्मीद देने में हमें मजा आता है। जन्मदिन मनाने का कितना बढ़िया तरीका है। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं। तोहफा वापस करूं? हे जीन, ये तुम्हारी माँ की तरफ से है या पापा की तरफ से? अब तो तुम गए हो। तुम इसी के लायक हो। क्या हो मक्लुआन? अब बोलो। हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। तो देखे तुम इससे कैसे निपटते हो। मजाक कर रहे हो क्या? वाओ, मैं तो जीत गई, मतलब तुम हार गए। काम से अब और कोई मुझे इस नाम से नहीं बुलाएगा। एक माकलुआन मुझसे हार गया। लगता है मेरे अंदर का इंसान जाग ही गया। छिपकली, ये ले। अब तो तू गया चिन्नो मुन्नो। हमने कर दिखाया। आहा। हम जीत ही गए। क्यों? बहुत बढ़िया, पर अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस एक शुरुआत थी। शुरुआत? कैसी शुरुआत? अब तुम्हारा सामना होगा हमारे सबसे महान चैंपियन से, जो है बशाकर। नीचे जाकर हल्क बस्टर कवच ला पाऊंगा? सिर्फ मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है या तुम्हें भी एनर्जी के सिग्नल्स मिल रहे हैं? ये सब उससे आ रहे हैं। हे रोज, इन बंदूकों से काम नहीं बनेगा। ऊपर जाओ। शुक्रिया रेस्क्यू। यही है मेरा नाम और यही है मेरा काम। ये तो बिल्कुल हल्क जैसा है, बिना दिमाग का। हाँ, एक साइक्लिकल पैटर्न वाले ऑर्गेनिक एनर्जी रिएक्टर जैसा। तो इससे पहले कि बम पर भारी पड़े, हम सब मिलकर वार करते हैं। यूनिवर्स के सबसे बड़े दिमाग। पेपर! बढ़िया, तुम्हें अब भी मुझे बचाना पड़ता है। नहीं, मैं तो बस एहसान चुका रहा था। कवच की सुरक्षा खतरे में है। अब सुन ले, तुझे सबक सिखाने का वक्त आ गया। अब
पेपा, तुम उसे और एनर्जी दे रही हो, इस तरह वो और ताकतवर हो जाएगा। यही तो है। पेपर, मैंने तो सब गड़बड़ कर दी। सुनो, उसका हथौड़ा सिर्फ हथियार नहीं है, वो एक वाल्व है। वो अपने शरीर के एक्स्ट्रा एनर्जी को हथौड़े के जरिए निकाल देता है, नहीं तो वो एक्सप्लोड हो जाएगा। इस हथौड़े के बिना सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर ही रहेगी। इसका मतलब है कि हमें हथौड़े का कुछ करना होगा। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि वो आ रहा है। कंप्यूटर, सारी ताकत डिफेंस में डालो। चलो दोस्तों, अपनी पूरी ताकत लगा दो। बड़ी खुशी से। बस थोड़ा सा और। कंप्यूटर, सारी ताकत यूनिबीम में लगा दो। तुम्हें ये चाहिए? ये लो! तो मजा आया ना? ये किस तरह की चाल है? हमने तुम्हारे चैंपियन को बुरी तरह से हरा दिया। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, हम ये सहन नहीं करेंगे। अब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा गुस्सा क्या होता है।